कल मैंने देखा आपका YouTube का फर्स्ट पेमेंट आया था, सो आर यू हैप्पी? हाँ। कितना? थोड़ा बहुत। कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिला। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी आदमी जब थोड़ा सा भी उसका जो पहला अर्निंग होता है ना, भले वो थोड़ा ही हो लेकिन उसको बहुत खुशी मिलती है। वो मेरी भी सैलरी जब पहली बार मेरे अकाउंट में आई थी ना, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। तो फर्स्ट पेमेंट का खुशी कुछ अलग ही होता है। और गर्मी इधर अब ज़्यादा बढ़ गया है, पसीना किचन में ऐसे रहने का मन नहीं करता, बहुत पसीना चल रहा है। हाँ, स्वेटिंग देख सकता हूँ आपके चेहरे पे। खाना बनाने का गर्मी में बिल्कुल मन नहीं करता है, जल्दी जल्दी मन करता है खाना बना के किचन से निकल जाए। आजकल कितने बजे आप उठ रहे हैं सुबह में? मॉर्निंग में ही, बच्चे सबका अब और मॉर्निंग हो गया है, अर्ली मॉर्निंग। अभी तक तो 7:30 था, बट मंडे से सुना है 6:30 होने वाला है। हाँ, तो आपको और जल्दी उठना पड़ेगा और सवेरे जगना पड़ेगा। और गर्मी के कारण थोड़ा रात में लेट से नींद आती है और सुबह थोड़ा आलस आलस के साथ है, नींद पूरा नहीं होता। अब लगता है कि ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्यों? अभी रातें छोटी होती है गर्मी में। हाँ। और दिन बड़ा होता है, तो रात में आपको टाइम नहीं मिल पाता है, जो प्रॉपर रेस्ट चाहिए ना, एटलीस्ट 6 आवर्स का, तो वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए दिन में भी नींद आती है। है ना? प्याज से आंसू निकल रहे हैं। कौन सा प्याज है? प्याज काटने में बहुत परेशान। तो मालूम है ना, आंसू नहीं आए प्याज से, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो आपने लेकिन उससे भी होता है, फिर भी होता है, फिर भी होता है, बट उससे उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। आपके चैनल को मैंने आज रीड किया, आप ऑलमोस्ट 9,000 सब्सक्राइबर के करीब हैं, बट कभी आपने सोचा है कि आपके सब्सक्राइबर 9,000 है पर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे 9,000? इतने सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, उतने व्यूज़ नहीं आते हैं, वो एक नंबर है। उसमें से कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी हो सकते हैं जो डेड हो गए होंगे। आपका कोई एक ऐसा वीडियो जो वायरल हुआ होगा, थोड़ा बहुत अभी तक तो वायरल नहीं हुआ है, तो उस पे जो सब्सक्राइबर बने होंगे ना, तो वो सिर्फ उस वीडियो के लिए बने होंगे, और दूसरे जो वीडियो होंगे उसके लिए वो डेड हैं। सिर्फ वो एक नंबर आपको दिख रहा है कि इतने सब्सक्राइबर हैं, बट आपको कम से कम आपके सब्सक्राइबर का 10% व्यू आना चाहिए। जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं आपका, अगर 10% भी व्यू आ रहा है, देन यू आर ओके, अदरवाइज योर चैनल इज़ डेड। तो सपोज आपका 8,000 सब्सक्राइबर है, तो आपका 10% कितना हुआ? ऑलमोस्ट 800 व्यू। तो 800 व्यू भी अगर आ रहा है आपको, देन यू आर इन गुड पोजिशन। वन थिंग इज यू आर बिगिनर एंड यू हैव स्टार्टेड योर चैनल फ्यू मंथ अगो, सो डोंट वरी। बहुत लोगों को 2 साल लग जाते हैं, बट आपका पहला माइलस्टोन आपने ऑलमोस्ट 7 मंथ में ही आपने कंप्लीट कर लिया है। yes. आपकी फर्स्ट पेमेंट भी आ गई है। थैंक गॉड, और यूट्यूब फैमिली को धन्यवाद तहे दिल से। तो अभी आप क्या बना रही हैं शाम को? इसमें कांदा डाला है। कांदा महाराष्ट्रियन लोग बोलते हैं। प्याज बिहारी में बोला जाता है इसको, प्याज। यू आर फ्रॉम बिहार? बिहारी स्टाइल में बन क्या रहा है? पकौड़ी, कचड़ी, और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भांज, ये बचका, नहीं बचका बैगन वाले को बोलते हैं इसको, और क्या भांज, क्या तुम बोलते, भज्जी, भांज, हाँ वही। महाराष्ट्र आप लगता है कम टाइम के लिए गए हैं। हम गए कहाँ, थोड़ा बहुत गए थे 2 बार 1-2 दिन के लिए। मैं खाने में सबसे अच्छा क्या चीज़ लगा आपको? स्ट्रीट फूड की बात कर रहा हूँ मैं। स्ट्रीट फूड में वड़ा पाव, मिसल पाव, नहीं बड़ा पाव अच्छा, बड़ा पाव अच्छा लगा। हाँ। और उसमें जो सूखा सूखा वो जो पाउडर नहीं देता है, पाउडर मत बोलिए, दैट इज चटनी। हाँ
चटनी नहीं, वो जो सूखा वो क्या रहता है? हाँ चटनी रहता है, वो पाउडर जैसा नहीं रहता है, वो बड़ा पाव के साथ जो दिया जाता है, मुझे नहीं मालूम है। तीखा जो लगता है खाने में, तीखा तो उसमें एक चटनी डाला जाता है, वही वही मस्त लगता है, मस्त लगता है। गाइस आप लोगों से बात करते करते मटेरियल को मैंने तैयार कर लिया, पर इसमें जो मिर्ची का क्वांटिटी डाला गया था ना, उसे देखकर मुझे पसीना आ रहा है। क्यों? गर्मी में तीखा लगेगा, गर्मी में इतना तीखा पसीना निकल जाएगा, अभी खुद आपको पसीना चल रहा है, क्योंकि बिहार में गर्मी अभी बहुत तेजी से बढ़ रही है, अचानक से बढ़ गई है, और बच्चे सबका एक महीना के बाद गर्मी छुट्टी मिलेगा, तो अभी अर्ली मॉर्निंग अभी स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे को मंडे से, तो बच्चे को भी परेशानी है, गर्मी बढ़ गया है, जल्दी उठना पड़ेगा आपको। हाँ यूट्यूब पर आने के लिए आप कहाँ से इंस्पायर हुई थी? मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स के वीडियो देखे थे, तो मुझे भी मन कर रहा था कि मैं भी वीडियो बनाऊं, और स्पेशली बच्चे सब ने भी मुझे सपोर्ट किया कि मम्मा आप भी वीडियो बनाइए, मोटिवेट भी कर रहे थे और सपोर्ट भी कर रहे थे वीडियो बनाने में, तो मुझे अच्छा लगता है मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ब्लॉग बनाते हैं, और बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो वो भी अपने ब्लॉग्स को देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाने में दो बातें हो जाती हैं, आप एक अर्निंग भी कर लेते हैं और प्लस आपका जितना सारा मेमोरीज रहता है वो सब सेव होते जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है कैमरा शाही है, वो ब्लॉग्स में आना नहीं चाहते, उनको बहुत प्रेशर करते हैं फिर भी वो नहीं आते हैं, आप बताइए आप क्यों नहीं आना चाहते हैं? यूट्यूब पर कोई लिमिट भी है कि आप कितना तक अर्निंग कर सकती हैं? अनलिमिटेड है, आप जितना मेहनत करिएगा उतना सक्सेस पाइएगा, आपके मेहनत पर डिपेंड है, ये तो जॉब से ज़्यादा बेटर है, जॉब में क्या है आपका सैलरी बढ़ा रहता है, इसमें क्या है कि आप जितना काम करते हैं रात दिन काम करते रहिए और उसी तरह आप तरक्की पाते रहिए। अच्छा मैक्सिमम आपके जान पहचान में मैक्सिमम कितना अर्निंग तक कर रहे हैं? मैं तो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स को देख रही हूँ, जो कि दो तीन साल पहले का जो मैं उन लोगों का वीडियो देखी थी, मतलब हाल फिलहाल ही, मतलब एकाएक उसका अर्निंग भी बढ़ गया है और हर चीज़ मतलब अचानक से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा मतलब यहाँ से जीरो से स्टार्ट होके पूरा ऊपर, तो वो कोई सपना तो नहीं दिखाते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फर्स्ट पेमेंट आने से आपको आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई हो गया होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, और सबसे अच्छी बात है कि आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, नहीं तो भागम भाग वाला लाइफ। तो YouTube पर मिनिमम कितने देर का वीडियो बनाना चाहिए, रिकमेंडेड है जो? कम से कम आप 8 मिनट का ब्लॉग बनाइए। क्यों ऐसा क्यों? वो एडवर्टाइज फ्रेंडली हो जाता है, इसलिए नहीं, एडवर्टाइज फ्रेंडली इज डिफरेंट थिंग, एडवर्टाइज फ्रेंडली का कहने का मतलब है कि आपका जो है वीडियो जो है यूट्यूब का जो गाइडलाइंस है, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उसमें प्रॉपर तरीके से फिट आ रहा है, और उस पर कोई स्ट्राइक वगैरह या कुछ भी आप कोई भी मतलब किसी के अगेंस्ट नहीं बना रहे हैं, ऐसा जो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का है, तो अभी तक मैंने आपका देखा था एनालिटिक्स, आपका जो है पूरा एडवर्टाइजर फ्रेंडली आपका वीडियोस है, उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 मिनट का जो जो वीडियो बनाने का मतलब होता है कि आपका जो मिड रोल एडवर्टाइज है ना, वो यूट्यूब फिक्स करेगा कि उसको एडवर्टाइज कहाँ लगाना है ना, और प्लस आप अपने खुद से भी आप चाहेंगे कि मुझे स्टार्टिंग में एडवर्टाइज चाहिए, बीच में चाहिए, या कुछ क्रिटिकल इशू जहाँ पे आपको लगता है जैसे सीरियल्स वगैरह में जो है कुछ सस्पेंस में अचानक उस जगह एडवर्टाइज आ जाता है, तो आप एडवर्टाइज वहाँ पे लगा सकते हैं 8 मिनट से प्लस का वीडियो में, इससे यही फायदा रहता है, यही फायदा रहता है ना। और सब बड़े बड़े ब्लॉगर सब कंट्रोवर्सी करके और व्यूज कंट्रोल करेंगे। कंट्रोवर्सी करने से फायदा क्या होता है? ये सब अच्छी बात नहीं है, YouTube पर आप अच्छा चीज दिखाइए, पॉजिटिव चीज दिखाइए,
बट पॉजिटिव चीज को है ना बहुत टाइम लगता है ग्रो होने के लिए, कंट्रोवर्शियल चीज जो है जल्दी से ग्रो होता है, होता है लेकिन आप और जानबूझकर कंट्रोवर्सी करते हैं वो लोग यूट्यूबर लोग, होता कुछ भी नहीं है बट पर आपका सही है, आप कुछ भी आपका पैसा अर्निंग तो हो जाता है लेकिन इमेज आपका सही नहीं रह पाता है सोशल मीडिया। ये देखिए आराध्या जग गई है यहाँ पे, फैमिली बॉन्डिंग तो ये अभी है ना बिल्कुल भी दिख, ये तो टेस्टी बना है बट क्या है ना इसमें जो मिर्ची मिली है ना ये खाने से भी डर लग रहा है अभी गर्मी में। आपको तो तीखा ही अच्छा लगता है, मीठा नहीं, नहीं ये कुछ महीनों से मुझे सादा चीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा भी तीखा खाने पर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। नव्या भी गई है पढ़ने के लिए। तो गाइस यहाँ पे नुकसान क्या क्या चीजें देखिए, तेल में ये डीप फ्राई हो रहा है, सेहत खराब हो रहा है और भट्टी के एज होने के बाद खान पीन पर पूरा एकदम ध्यान रखना चाहिए, ना ज्यादा ऑयल वाला चीज खाना चाहिए, एकदम सिंपल खाना चाहिए, नहीं तो आगे जाके परेशान प्रॉब्लम होगा, इतना तेल अच्छा नहीं है। ठीक है, लगता है आपका 8 मिनट का वीडियो बन गया है, सो और आप लोगों से बातें करते करते मैंने ब्लॉग्स को कंप्लीट कर दिया। तो इसने कहा कि आज आप ब्लॉग बनाने में मदद कीजिए, आप बैकग्राउंड से बेसक आवाज दीजिए बट हेल्प कीजिए क्योंकि दिन निकल गया है और आज का ब्लॉग बना नहीं है तो अगले दिन की अर्निंग पे इफेक्ट हो जाएगी। बट आपका जो एनालिटिक्स में देखा है ना अर्निंग टैब में जाकर, तो आपका जो ये क्या नाम है CPM जो है वो दूसरे यूट्यूबर्स के मुकाबले अच्छे हैं। अगर 10,000 भी व्यूज आएगा ना आपको तो आपकी अच्छी अर्निंग होगी मंथली। हाँ तो सुबह सुबह मैंने देखा कि आपके एक शॉर्ट्स वीडियो पर जो आपने कल डाला था फ्लिपकार्ट हॉलिंग पे, पूर्ति का हॉलिंग जो आप कर रहे थे, सो उसमें 10 British pounds का किसी ने सुपर थैंक्स भेजा है, 1 British pound इज इक्वल टू 100 rupees, सो आपको 1,000 उस वीडियो पे, हाँ सो सुपर थैंक्स में आपको 1,000 rupees आया उस पे। कांदा इसको क्या बोलते पकौड़े वो दे रही हूँ आप भी खा लेना। ओके ठीक है, तो आपका 8 मिनट का वीडियो बन गया है और ये वीडियो भी एडवर्टाइजर फ्रेंडली है, सो आप इसको एंड कर दीजिए ब्लॉग को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और अब शाम का टाइम हो गया तो दिया बाती लगाती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।